नहीं महानुभव, मुझे मुद्रा नहीं चाहिए, कृपया ये चमत्कारिक काजल मुझे प्रदान करके कृतार्थ कीजिए। उचित है, तो फिर इस काजल का मूल्य चुका दीजिए। महानुभव, ये तो आपका आशीर्वाद है ना, और आशीर्वाद तो निःशुल्क होता है ना। किंतु मैं इस चमत्कारी काजल को निःशुल्क प्रदान करके इसका अपमान नहीं कर सकता बालक। क्या मूल्य है इसका? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। क्या? ये तो अधिक है। तो इस चमत्कारी काजल के गुण भी तो अधिक हैं। क्षमा करना महानुभव, परंतु अगर काजल लगाने के पश्चात मुझे मेरे पूर्वजों ने दर्शन नहीं दिए तो मेरे तो 10,000 सुवर्ण मुद्राएं व्यर्थ हो जाएगी। क्या कहा? तुझे लगता है कि हम जगत प्रसिद्ध महान ज्योतिषाचार्य सीमंत प्रसन्ना तुझसे मिथ्या वचन कर रहे हैं? अब कुछ कहा नहीं जा सकता। उचित है, हम दरबार चलते हैं, महाराज श्री कृष्ण देव राय के दरबार चलते हैं। हम वहीं तुझे ये काजल प्रदान करेंगे। तू इस काजल का प्रयोग दरबार में ही करना, और अपने पूर्वजों के दर्शन प्राप्त होने के पश्चात ही हमें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देना। उचित है, उचित है। चलो शामू, जरा देखना। तो प्रभु किसी ना पलन तो कोई बात नहीं। पंडित रामाकृष्ण नहीं है तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस चुनौती को स्वीकार करें। क्या आपको मेरी ये चुनौती स्वीकार है? मैंने बहुत कुछ सुना था महाराज आपके बारे में और पंडित रामाकृष्ण के बारे में, लेकिन अफसोस यहाँ पर तो कोई है ही नहीं जो मेरी चुनौती को स्वीकार करे। प्रणाम महाराज। महाराज श्री कृष्ण देव राय की जय हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। अरे ये तो महाकंजू सिद्ध बालाचंद्रु है। प्रणाम मंत्रीवर, मेरा नाम बालाचंद्रु है। तो ये वो। और हम हैं जगत प्रसिद्ध महान ज्योतिषाचार्य सीमंत प्रसन्ना। आप लोग राज दरबार में किस प्रयोजन से आए हैं? मैं बताता हूं। मंत्रीवर, महाराज, ये महानुभव मुझे चमत्कारी काजल बेचना चाहते। इनके अनुसार ये चमत्कारी काजल का प्रयोग करने से हमें स्वयं पूर्वज दर्शन देते हैं। ऐसा भी कभी होता? महाराज, इसी कारण से तो मैं दरबार में आया हूँ। अगर इन ज्योतिषाचार्य का कथन सत्य निकला तो इनसे मैं ये काजल 10,000 सुवर्ण मुद्राओं में खरीद लूंगा। यही चुनौती तो मैंने कृष्ण देव राय को दी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ज्योतिषाचार्य कोयले की जगह सुरमा बेच रहा है। ये हो क्या रहा है, मुझे जानना होगा। दरबार में उपस्थित सभी माननीय जन इस घटना के साक्षी होंगे, और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप इन्हें बंदी बना लीजिए। क्यों महानुभव, आपको यह शर्त स्वीकार है? स्वीकार है सेठ बालाचंद्र जी। अरे स्वीकार है, स्वीकार है। हमें आपकी चुनौती स्वीकार है सेठ बालाचंद्र जी, किंतु सर्वप्रथम आप ये काजल लगाइए तो सही। लीजिए। हाँ,
करना महाराज, परंतु मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप पंडित रामकृष्ण का पता लगाएं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं सिराज महोदय? क्या इतना अच्छा मनोरंजन? वो हमारे कहने का तात्पर्य है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, वो गंभीर मुद्दा जो दरबार के समक्ष आया है, तो आप बीच में बाधा डाल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, आप चुप रहिए। आप लगाइए लगाइए, आप ये काजल लगाइए, हम भी देखना चाहते हैं ये काजल कितना चमत्कारी। लगाइए। मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। बात यह है कि काजल लगाने के पश्चात केवल वही पूर्वज दृष्टिगोचर होंगे जो स्वर्गगामी हैं। जो नर्कगामी हैं या जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं वो पूर्वज दृष्टिगोचर नहीं होंगे। साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी पूर्वज नहीं दिखेंगे जिन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म उचित प्रकार से नहीं किया है। किंतु आप चिंतित ना हो सेठ बालाचंद्रु जी, आप तो नगर के सम्माननीय व्यक्ति हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही की तरह आपके पूर्वज भी धार्मिक और सदाचारी जीवन व्यतीत ही करते होंगे। आपको आपके पूर्वज अवश्य दिखलाई देंगे। ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी बता दी। काजल लगे। अब हम समझ गए महाराज। बालाचंद्र जी, आपको कोई शंका है कि आपके कोई पूर्वज नरगामी है? नहीं तो? आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध विधि विधान से तो करते हो ना? जी हाँ, करता हूं। चित है? तब तो आपको आपके पूर्वज अवश्य ही दिखाई देंगे। ध्यान से देखिए और इस दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को बताइए कि आपको आपके पूर्वज दृष्टिगोचर हो रहे हैं अथवा नहीं। मुझे तो कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, परंतु अगर मैं ये स्वीकार करूंगा तो भरे बाजार में मेरा अपमान हो जाएगा। धन बचाने के लिए कितने वर्षों से मैंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म ही नहीं किया, मुझे मिथ्या वचन कहने होंगे। पिताश्री, पिताश्री, स्वयं माताजी भी है और दादाश्री भी उपस्थित है। दादाश्री, दादाश्री प्रणाम। धन्य हो सीमांत आचार्य जी प्रसन्ना, आपका काजल तो बहुत ही चमत्कारी है। महाराज, महाराज मेरे पूर्वज आपको प्रणाम करिए, कृपया प्रणाम स्वीकार करें। जी, प्रणाम। सेठ बालाचंद्र जी, प्रतीत होता है दरबार में उपस्थित दरबारियों को आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। तनिक इन्हें बताइए तो सही कि आपके पिताश्री ने किस वर्ण की धोती पहनी है? पीत वर्ण की, और माताजी श्वेत वस्त्र धारण की हुई। तो महाराज, ये सिद्ध हो गया कि हमारा काजल चमत्कारी है। लाइए मेरे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लाइए। आचार्य जी, भला इतना धन लेकर कौन घूमता है? आप कल मेरे घर आइए, मैं आपको धन देता हूँ। सेठ बालाचंद्र जी, आप व्यवसायी हैं, सौदा हो ही रहा है तो पक्का हो। चलिए धन ना से, आप मुझे हुंडी ही दे दीजिए। गुरुजी, 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 ये तो बताओ हुंडी क्या होती है? हाँ, ऋण पत्र होता है। ऋण पत्र अर्थात एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी को ऋण देते समय प्रणाम स्वरूप ऋण पत्र देता है। हैं? अब जाओ बच्चे। समझ गए, समझ गए। हाँ, ये लीजिए, इस हुंडी पर हस्ताक्षर कीजिए। धन्यवाद। आप भी ना महानुभव, अत्यंत ही आतुर है।
अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, आज्ञा। प्रणाम महाराज। अब बाला चंद्रू जी, अपने पूर्वजों को भी तो साथ लेकर जाइए। पिताश्री, माताश्री, दादाश्री, आइए। दा क्या हुआ, रुक गए? आपको प्रणाम कर रहे हैं। आइए 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 आइए। हाँ, आचार्य श्रीमत महोदय, हमें भी थोड़ा काजल दीजिए ना, हम भी अपने पितरों से भेंट करना चाहते हैं। क्षमा करें गुरुवर, क्या है कि कोयले की बोरी तो सेठ बालाचंद्रू की संपत्ति हुई, और यदि आपको उसी कोयले की बोरी से बना काजल चाहिए तो सेठ जी से ही संपर्क करना पड़ेगा। कोयले की बोरी, हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूँ गुरुवर। जी गुरुवर, प्रणाम। मंत्रीवर, ये तो पंडित रामकृष्ण जी है। पंडित रामकृष्ण, प्रणाम महाराज। सिराज महोदय, सिराज महोदय, मैंने आपकी चुनौती पूर्ण की, और उसके लिए मुझे पूरी कोयले की बोरी तो बेचनी भी नहीं पड़ी, कोयले के मात्र एक छोटे से टुकड़े से ही कार्य हो गया। जो काजल मैंने सेठ बालाचंद्र को भेजा ना, वो आपकी दी हुई बोरी के कोयले से ही बना था, जो आपने मुझे सेठ बालाचंद्र को बेचने को कहा था। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। सिराज महोदय, चुनौती पूर्ण हुई। कहाँ है हमारी 100,000 स्वर्ण मुद्राएं? पंडित रामकृष्ण ने सब चौपट कर दिया। जी महाराज, हम समझ गए महाराज। सिराज महोदय, महाराज कुछ पूछ रहे हैं। महाराज, 100,000 सोने की अशर्फिया मेरे निवास स्थान में है, आप किसी को साथ में भेज दीजिए, मैं उन्हें सौंप दूंगा। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आपने पुनः एक बार असंभव को संभव करके दिखाया है। धन्यवाद महाराज, दुष्कर कार्य पूर्ण होने से पूर्व असंभव ही प्रतीत होते हैं। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, अति उत्तम। धन्य है पंडित रामकृष्ण जी, आप उस कंजूस सेठ को आपने क्या सबक सिखाया। धन्यवाद कोतवाल। कैसी रही गुरुवर? महाराज, हम आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण कार्य की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जी गुरुवर, बताइए। आपके आदेश के अनुसार रनिवास में कार्यरत पंडित रामकृष्ण द्वारा चयनित सेवक आदिनाथ को आज मृत्यु दंड दिया जाना है। जी, ज्ञात है हमें। तो हम महामंत्री तिमारासु जी से निवेदन करते हैं, राज आज्ञा का पालन करें और शीघ्र अति शीघ्र सेवक आदिनाथ को फांसी पर चढ़ाएं। महामंत्री जी। जी, जो आज्ञा महाराज। अब हमारी कैसी रही पंडित रामकृष्ण? आज की सभा। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय।
दिग्गज के पद पर तुम्हारा ये अंतिम दिन है। सेठ बालाचंद्र को तो मूर्ख बना दिया तुमने, परंतु सेवक आदिनाथ की मृत्यु दंड से कैसे रक्षा करोगे तुम? बच्चों की शपथ लेती कि जिस दिन मेरे पति को मृत्युदंड दिया जाएगा उस दिन आपकी इसी चौखट पे मैं अपने बच्चों के साथ प्राण त्याग दूंगी और हमारी मृत्यु के जिम्मेदार आप होंगे। बुद्धि में ही शक्ति है। शिष्यों, ऋषियों ने चार वेदों की रचना की है जिसमें से सबसे प्रमुख वेद है। गुलवल, क्या मैं कक्षा के भीतर आ सकता हूँ? गुंडप्पा, मैंने तुमसे क्या कहा था? जब तक तुम्हारा कार्य संपन्न ना हो तुम्हें कक्षा में आने की आज्ञा नहीं है। कार्य संपन्न हो गया गुलवल। एक भी सांप नहीं दिखाई दिया। अरे सांप बदलाल चिड़िया चल रही है। लाल चींटियां अत्यंत ही आक्रामक होती है, ये यहां कैसे आ गई? गुलवल, वचन अनुसार युद्धवीर यहाँ क्याली बनाएगा। युद्धवीर क्यों? क्षमा करना गुरुदेव, हमने गुंडप्पा को वचन दिया था कि अगर उसने सांपों से पार पा लिया तो क्यारी हम बनाएंगे। युद्धवीर, सांप तो भाग गए परंतु उनके सर पर चीते आ गए, लाल चीते आ गए जिनका धन सांपों से अधिक फैलाया होता है। युधिर बोला फावला। महाराज, अशुभ आदिनाथ को और विलंब किए बिना फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, पंडित जी,